कुछ खबरें कारोबारी दुनिया से। आपको बताएं, वफाकी काबीना ने आवाम पर मजीद बोझ डालते हुए बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपये फी यूनिट इजाफे का इजाफा हुकूमत को भिजवाया था। ज़राए का कहना है कि नेपरा की जानिब से बिजली की बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला माली साल 2024-25 के लिए और बिजली टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला दिया गया था। और आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी कारोबार के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा देखने में आया। 582 पॉइंट्स के इजाफे के साथ हंड्रेड इंडेक्स 80,815 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत के फौरी बाद वज़ीर खुराक बिलाल यासीन आटे की कीमतों में कमी के लिए मुतहरिक हो गए और फ्लोर मिल्स नुमाइंदगान से मुलाकात की, जिसके नतीजे में आटे की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान से मौजूदा सूरतेहाल पर तबादला ख्याल किया, जिसके बाद फ्लोर मिल्स नुमाइंदगान ने आटे के थैले की कीमत में 80 से 90 रुपये तक कमी का ऐलान कर दिया।